आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम है दाग धब्बों की, रेडनेस की, आपके भी हेयर नहीं लॉन्ग हो रहे हैं, आपके को आपको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो सब रिमूव हो जाएगी। आखिर तक ज़रूर वीडियो देखना। आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है और आपको पिंपल्स वगैरह दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, तो सारा सोल्यूशन मेरे पास में है। आपको गोरापन नहीं हुआ, फिर से गोरापन होने का तरीका कैसे करते हैं, तो वो एंड तक वीडियो आखिर तक देखना ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे ही हो आप सब। मैं हूँ आपकी सलमान नुमान। जैसे कि आप सब देख रहे हो हमारा अपना YouTube चैनल, तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो है मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल, जो कि बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये कैस्टर ऑयल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है हेयर में, स्किन में और बॉडी पर। तो इस हेयर ऑयल को, इस कैस्टर ऑयल को हम किस तरीके से, किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, आज मैं सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक आप लोग ज़रूर देखें, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। 100% प्योर कैस्टर ऑयल होता है। यहाँ पर आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट जो होते हैं इस तरह से पैकेजिंग में आते हैं, ये भी पैकेजिंग है, तो इस तरह से आपको पैकेजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर जो मेंशन किया, यहाँ पर अब नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैस्टर ऑयल में आपको मिनरल ऑयल जो है वो नहीं मिलेगा, पैराबिन फ्री ऑयल है, आपको कोई चीज की हानिकारक नहीं होगी इस ऑयल में, आप इसको बेझिझक होकर यूज कर सकते हो। तो हम इसकी क्वांटिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 150 ml का ये बॉटल मिल जाता है, इस तरीके से आपको ये मिलता है। तो इसकी अगर सेल्फ लैश की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आपको 2021 तक ये चलता है, यानी कि आराम से आप इसको एक साल तक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रेट स्किन के लिए ये कैस्टर ऑयल बना है। वो कैस्टर ऑयल जो आपको, कैस्टर ऑयल किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है मैं आपको ये बता दूँ। अगर आप फेस पैक बनाते हो तो कैस्टर ऑयल को आप अगर 2 ड्रॉप डालते हैं, आप अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो आपका जो फेस है वो नेचुरली ग्लो करने लगेगा। कैस्टर ऑयल हमारे नेल्स के लिए बहुत बेनिफिट होता है। नेल्स के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर वाइटनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है नेल्स को, तो आपको क्या करना होगा, कैस्टर ऑयल को एक कॉटन बॉल में लेना है और उसको आप वहाँ पर क्लीन कर सकते हैं, ये फायदे होते हैं। और स्किन को आप अगर नॉर्मली कैस्टर ऑयल को अगर लेकर अगर हल्के से 5 मिनट्स के लिए मसाज करें, हल्के से मसाज कर छोड़ दें, तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा सा नरिशिंग होगा, सॉफ्ट होगा और ग्लोई होगा। कैस्टर ऑयल में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। पहली बात तो हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल बहुत बेस्ट है। हर ऑयल में कैस्टर ऑयल मिलके ही मिक्स होता है। जितने भी आप हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं उसमें आप हमेशा देखते हो कैस्टर ऑयल 100% मिलकर होता ही है हर हेयर ऑयल में, क्योंकि कैस्टर ऑयल हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर ग्रोथ में मदद करता है हेयर ऑयल, और हमारे हेयर को थिक भी करता है, शाइन करता है, डैंड्रफ से बचाता है, हमारी हेयर ग्रोथ को फास्ट बढ़ाता है कैस्टर ऑयल। यही कैस्टर ऑयल की खासियत होती है। कैस्टर ऑयल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भी कोई चीज को, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, किन किन चीजों में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई ऑन लिप्स, लिप्स पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हल्के से आप थोड़ा सा ऑयल ले ले कि अगर लिप्स काले पड़ गए तो कैस्टर ऑयल आपके लिए बहुत बेस्ट है। कैस्टर ऑयल का अगर आप कैस्टर ऑयल अपनी लिप्स पर अप्लाई कर मसाज करते हो तो जो है वो वाइटनिंग होने लगेंगे, फेयर होने लगेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप ऑयल यूज करो तो उसमें अगर कैस्टर ऑयल अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर में, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होने लगेगी। हाइड्रेट स्किन के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल हमारे डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। आपको रात के वक्त सोते वक्त कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा कॉटन बॉल में लेना है और थोड़ा एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना है। आपको डार्क स्पॉट अगर बहुत ज्यादा हो गए तो आपको क्या करना होगा, कैस्टर ऑयल को आपको लेना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इस तरह अगर करेंगे आप तो आपके जो डार्क सर्कल्स, आपके जो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है वो है ना
बहुत जल्द रिमूव भी हो जाएगी और अच्छे से रिजल्ट आपको ये कैस्टर ऑयल देगा। ठीक है, अगर आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम है फेस पर, आपके फेस पर दाग धब्बे जाते ही नहीं है, कोई भी आप केमिकल्स के क्रीम वगैरह यूज करे हैं, तो आपके दाग धब्बों को कैस्टर ऑयल हटाने में मदद करता है। तो आपको क्या करना होगा, कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा आप लेना है, उसके अंदर आपको विटामिन ई कैप्सूल को ऐड करना है, फिर आप अपने फेस पर अप्लाई कर हल्के से मसाज कर ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका फेस नरिशिंग होगा, आपका फेस सॉफ्ट होगा और दाग धब्बे मिटाने में भी कैस्टर ऑयल आपके लिए बहुत बेस्ट माना जाएगा। आप भी अगर मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। भरपूर फायदा उठाइए कैस्टर ऑयल का और बहुत ही हेल्पफुल है, ऑल स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इसमें हानिकारक नहीं है, इस कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते हैं आप सब। तो इसकी प्राइस की अगर हम बात कर ले तो प्राइस इसकी जो है वो है 299 रुपीज, यानी कि ये 300 रुपये की इसकी प्राइस है। ठीक है, तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कर बताना। अगर हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर क्या करना होगा, अपनी सलमान उमर को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में कर दीजिए और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें।